नमस्कार, हिंदी एजुकेशनल चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपके समक्ष आधुनिक हिंदी साहित्य के श्रेष्ठ कवि, एकांकीकार, नाटककार तथा आलोचक डॉक्टर रामकुमार वर्मा द्वारा रचित दीपदान एकांकी नाटक का शीर्षक या नामकरण की सार्थकता को लेकर उपस्थित हुआ हूँ। एक वीडियो के रूप में मैंने इस एकांकी नाटक को चार भागों में बांटा है। प्रथम भाग में यानी पार्ट वन वीडियो में मैंने इस एकांकी नाटक का सार या सारांश या कथानक या कथा वस्तु को प्रस्तुत किया है, जबकि दूसरे भाग में यानी पार्ट टू वीडियो में मैंने एकांकी कला की दृष्टि से दीपदान एकांकी नाटक की समीक्षा को प्रस्तुत किया है। और तीसरे भाग में यानी पार्ट थ्री वीडियो में मैंने इस एकांकी नाटक का उद्देश्य या संदेश को प्रस्तुत किया है तथा चौथे भाग में यानी पार्ट फोर वीडियो में यानी अंतिम भाग में मैं इस एकांकी नाटक का शीर्षक या नामकरण की सार्थकता पर अपने विचारों को आपके समक्ष प्रकट करना चाहता हूं। तो आइए अब मैं इस एकांकी नाटक का शीर्षक या नामकरण की सार्थकता को पार्ट फोर वीडियो के रूप में आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूं। इसे आप ध्यान देकर सुनिएगा। डॉक्टर रामकुमार वर्मा द्वारा रचित दीपदान एकांकी नाटक का शीर्षक या नामकरण की सार्थकता। आधुनिक हिंदी साहित्य के श्रेष्ठ एकांकीकारों में डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी का नाम बड़े ही आदर के साथ लिया जाता है। वास्तव में ये सिर्फ हिंदी एकांकी नाटक के जन्मदाता ही नहीं बल्कि एकांकी सम्राट भी माने जाते हैं। यही नहीं, ये एक उच्च कोटि के कवि, नाटककार तथा एक श्रेष्ठ आलोचक व समालोचक आदि रूपों में भी हिंदी साहित्य जगत में प्रसिद्ध रहे हैं। दीपदान इनकी एक बहुत ही सुंदर, उत्कृष्ट तथा अमर ऐतिहासिक रचना है। सच पूछा जाए तो दीपदान ऐतिहासिक तथ्यों पर आधारित एक आदर्शोन्मुखी एकांकी नाटक है। यही नहीं, यह एक बहुचर्चित तथा ख्याति प्राप्त एकांकी नाटक है। इस एकांकी नाटक के माध्यम से एकांकीकार ने इतिहास की एक सुप्रसिद्ध घटना चित्तौड़गढ़ को आधार बनाकर प्रस्तुत एकांकी के कथानक का निरूपण किया है। इस एकांकी नाटक में त्याग, बलिदान तथा आत्मोत्सर्ग के साथ साथ देशभक्ति, राज्यभक्ति तथा कर्तव्य पालन की एक ऐसी वेगवती धारा प्रवाहित हुई है कि राजस्थान का चप्पा चप्पा हिस्सा जगमगा उठा है, यानी धन्य हो उठा है। अतः दीपदान एकांकी नाटक की कथा चित्तौड़गढ़ की एक ऐतिहासिक घटना पर आधारित है। शीर्षक या नामकरण की दृष्टि से दीपदान एकांकी नाटक का शीर्षक अत्यंत ही सार्थक एवं उपयुक्त है। प्रस्तुत एकांकी नाटक का शीर्षक या नामकरण दीपदान कई दृष्टियों से अत्यंत ही उपयुक्त एवं सार्थक दिखलाई पड़ता है।
दीपदान एक सामासिक शब्द है। यह शब्द दो शब्दों यानी दीप जोड़ दान के योग से बना है। इसका अर्थ है दीप का दान या दीप के लिए दान। परंतु दीपदान एकांकी नाटक में दीपदान का अर्थ है दीपक का दान। दीपक का एक अर्थ है प्रदीप या दिया। इसका दूसरा अर्थ है पुत्र। अतः इस एकांकी नाटक में दीप के कई अर्थ छिपे हुए हैं। प्रस्तुत शीर्षक दीपदान घटना के आधार पर दिया गया शीर्षक है। इस नाटक में दीपक का दान कई रूपों में हुआ है, जिसे हम इस प्रकार देखेंगे। जैसे दीपदान एक उत्सव का प्रतीक है। सर्वप्रथम इस नाटक में दीपदान का अर्थ चित्तौड़ दुर्ग में बनवीर द्वारा मयूर पक्ष नामक कुंड में आयोजित एक दीपदान उत्सव से है। यहाँ पर नगर की महिलाएं दीप का दान बड़े ही प्रसन्नता से करती है। नाटककार ने इस घटना को सोना के माध्यम से बड़े ही सुंदर ढंग से स्पष्ट किया है। जैसे खूब नाचो गाओ, यों आज कोई उत्सव का दिन नहीं था, फिर भी उन्होंने कहा है कि मेरे बनवाए हुए मयूर कुंड में दीपदान करो। मालूम हो जैसे भव सागर में आत्माएं तैर रही हो, या जैसे मेघ पानी पानी हो गए हो और बिजलियां टुकड़े टुकड़े हो गई हों। सोना आगे दीपदान का उल्लेख करते हुए कहती है कि आज हम लोगों ने भी दीपदान किया और मन भर नाचा है। इसके विषय में उदय सिंह भी पन्ना धाई से कहता है, जैसे वे नाचने वाली लड़कियां तुलजा भवानी की पूजा में दीपदान करके ही नाच रही है। वे दीपक छोटे से कुंड में कैसे नाचते हैं धाई माँ, चलो न धाई माँ तुम उनका दीपदान देख लो। जिस तरह उनके दीपक नाचते हैं उसी तरह वे नाच रही हैं। यहाँ दीपक का दूसरा अर्थ पन्ना धाई द्वारा राष्ट्र हित के लिए किया गया पुत्र का दान भी है। पन्ना धाई उदय सिंह की रक्षा के लिए अपने साहस और त्याग का परिचय देती हुई अपने एकमात्र पुत्र चंदन को उसकी सैया पर सुला देती है और दुष्ट बनवीर चंदन को उदय सिंह समझकर पन्ना धाई की आंखों के सामने ही उसकी हत्या कर देता है। अतः पन्ना धाई कुंवर उदय सिंह को बचाने के लिए अपने पुत्र रूपी दीपक का दान करती है। वह कहती है आज मैंने भी दीपदान किया है। दीपदान अपने जीवन का दीप मैंने रक्त की धारा पर तैरा दिया है। पन्ना धाई इस संबंध में आगे कहती है मेरे लिए दीपदान देखने की नहीं करने की बात है। इस नाटक में पन्ना धाई द्वारा गाए गए अंतिम गीत उड़ जा रे पखेरुआ सांझ पड़ी मैं भी अपने पुत्र के दान की भावना छिपी हुई दिखलाई पड़ती है। कुंवर उदय सिंह राजकुल का दीपक है। उसके लिए पन्ना धाई अपने पुत्र रूपी
दीपक का दान करती है। इस एकांकी नाटक में कीरत बारी और सांवली भी सेवा तथा त्याग रूपी दीपक का दान करते हैं। यह दान दरअसल भावनाओं का दान है। नाटककार ने पन्ना धाई और कुंवर उदय सिंह के माध्यम से इसे स्पष्ट किया है। वह कहती है, दिन में तो तुम चित्तौड़ के सूरज हो कुंवर, और रात में तुम राजवंश के दीपक हो। महाराणा सांगा के कुल दीपक, उदय सिंह कुल दीपक, कहीं तुम मुझे दान न कर देना। यही नहीं, इस नाटक के अंत में भी इस नाटक का खलपात्र बनवीर भी यमराज को दीपदान करता है। वह चंदन को कुंवर उदय सिंह समझकर उसकी हत्या कर डालता है। अतः वह भी एक प्रकार से दीपदान ही करता है। वह कहता है, यही है मेरे मार्ग का कंटक। आज मेरे नगर में स्त्रियों ने दीपदान किया है, मैं भी यमराज को इस दीपक का दान करूंगा। यमराज लो इस दीपक को, यह मेरा दीपदान है। इस तरह हम देखते हैं कि इस एकांकी नाटक में भिन्न भिन्न पात्रों के द्वारा भिन्न भिन्न प्रकार से दीपदान होते हुए दिखलाई देते हैं। चित्तौड़गढ़ के स्त्रियों द्वारा मयूर पक्ष नामक कुंड में किया गया दीपदान, पन्नाधाय के द्वारा पुत्र रूपी किया गया दीपदान, और कीरत बारी तथा सांवली के द्वारा किया गया भावनात्मक दीपदान, एवं बनवीर द्वारा की गई हत्या के रूप में यमराज को दिया गया दीपक का दान आखिर दीपदान ही है। अतः ये सभी घटनाएं शीर्षक की सार्थकता को ही प्रमाणित करती है। अतः इस एकांकी नाटक में दीप के कई अर्थ छिपे हुए हैं। प्रस्तुत शीर्षक दीपदान घटना के आधार पर दिया गया शीर्षक है। इस नाटक में दीपक का दान कई रूपों में हुआ है। अतः इस एकांकी नाटक में प्रारंभ से लेकर अंत तक की घटनाएं दीपदान की घटनाओं से भरी पड़ी हुई है। चाहे हत्या का नाटक की अंतिम पंक्ति ही क्यों ना हो, जैसे कमरे में मंद लौ से दीपक जलता रहता है, इस पंक्ति में भी दीपक का उल्लेख है। अतः सभी दृष्टियों से यह प्रमाणित होता है कि इस नाटक का नाम दीपदान हर प्रकार से उपयुक्त एवं समुचित है। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, और तो और सब्सक्राइब करना आप बिल्कुल नहीं भूलें। याद रखिएगा, मेरा यह चैनल, मेरा यह वीडियो एक प्रकार से एक एडुकेशनल चैनल है। मैंने इस चैनल का निर्माण विद्यार्थियों के हित को ध्यान में रखकर ही बनाया है। अतएव लाइक, शेयर और तो सब्सक्राइब करना आप बिल्कुल नहीं भूलें। और हाँ, यदि मेरे वीडियो में अगर आपको कहीं भी किसी प्रकार की कोई त्रुटि या कोई कमी नजर आती है तो आप सप्रमाण कमेंट्स करें, ताकि मैं उन गलतियों का सुधार कर सकूं और आपके समक्ष एक बहुत ही सुंदर, बहुत ही आकर्षक, छात्रोपयोगी वीडियो बनाकर आपके समक्ष प्रस्तुत कर सकूं, ताकि आप अधिक से अधिक इसका लाभ उठा सकें। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।